Hi guys, so this is Vijay Mishra and I have cleared examinations like SBI PO and IBPS PO of 2020 batch. So मैंने कैसे पेपर को अटेम्प्ट किया SBI का IBPS का, वो जो एक घंटे का प्री का एग्ज़ाम होता है, 3 घंटे का मीन्स का होता है, उसको आप कैसे अटेम्प्ट करते हो, उस टाइम ड्यूरेशन को कैसे आप सहते हो, कैसे आगे काम करते हो, वो मैटर करता है। तो आज मैं अपने साथ आप लोग के साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा। सो आर यू रेडी टू गेट स्टार्टेड? सो लेट्स रिवाइंड टू द एग्ज़ाम डे। सो द नाइट बिफोर एग्ज़ाम डे, देखो एग्ज़ाम के एक दिन पहले, जैसे आप लोग जानते हो कि मैं आप लोग को बताता हूँ हमेशा कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैं पढ़ना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि जो पिछली आपकी नाइट होती है एग्ज़ाम की, प्रीवियस नाइट होती है, उस टाइम अपने आपको दिमाग को काम रखना होता है, शांत रखना होता है। अगर आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो वो जो हड़बड़ी में ना आपके दिमाग में वो सब चीज़ें चलती रहेंगी, क्वेश्चन चलते रहेंगे, तो वो चीज़ें नहीं करनी। मैं क्या करता था, शाम को 5 बजे तक पढ़ लिया जो पढ़ लिया, उसके बाद आओ मॉक, ये अपना एडमिट कार्ड या फिर जो भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है वो सब चेक कर लो, थोड़ा बैठो दोस्तों के साथ, हैंग आउट करो, बातें करो, जो भी करना है करो, सो जाओ, नींद नहीं आ रही, कुछ अच्छी मूवी देख लो, बट डोंट स्टडी। सो मॉर्निंग ऑफ द एग्ज़ाम डे, देखिए जब भी मेरा एग्ज़ाम होता है तो जनरली कब, या तो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा या फिर दोपहर की शिफ्ट में, कभी भी अगर हो तो पढ़ना तो कुछ नहीं है, पढ़ता तो मैं वैसे भी नहीं था, लेकिन जैसे मान लो मेरा अगर मॉर्निंग में 7 से 8 बजे एग्ज़ाम है, तो आई विल मेक श्योर कि पहली बात तो मैं आई टेक अ बाथ और उसके बाद मैं जाता था पेपर देने, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके बॉडी थोड़ा रिलैक्स फील हो जाती है, काम डाउन हो जाती है, अच्छे से फंक्शन करती है। अगर दोपहर में पेपर है तो मैं सब कुछ प्रिपेयर होकर तैयार होकर बैठ जाता था, 2-3 घंटे बैठ के सिर्फ शांति सोचता था, या फिर कुछ चीज़ें अगर मुझे देखनी होती थी तो एक बार मैं उसको गो थ्रू कर लेता था। और जैसे मान लो जो एनालिसिस वगैरह हो रही होती हैं, लाइक जो टीचर्स वगैरह कराते हैं कि या ये पेपर में आया, इतना अटेम्प्ट अच्छा है, पेपर का एक होता है जैसे बोलते हैं कि रुझान किधर है पेपर का, पेपर का रुख किधर है, टफ जा रहा है, ईजी जा रहा है, तो थोड़ा सा हमको वो बस देखना होता है, एंड दैट्स इट। आप सिंपल से जाके पेपर अटेम्प्ट करो। सो रीचिंग द सेंटर, अब देखिए होता क्या है, जैसे मान लो कि जब आप सेंटर पर पहुँचते हो, जैसे मैं जब सेंटर पर पहुँचता था तो इतने ज़्यादा वहाँ पे इतने सारे लोग होते हैं, आप उनको देखते हो ना तो आपके अंदर एक फेयर आता है कि यार मतलब रियली में कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है। और ये होता था, मेरे साथ भी होता था, मुझे लगता है कि यार सब पढ़ रहे हैं, कोई कुछ बातें उसमें कर दे कि यार तूने ये पढ़ा भाई, तूने ये पढ़ा भाई, एक ये वाली चीज़ हो जाती है, तो फिर लगता है यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, कोई पता नहीं कोई मेथड की बात कर रहा है, यार अंकुश सर ने ये पढ़ाया था, थर्ड मेथड बताया था, क्या ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो दिमाग में कुछ चीज़ें आती नहीं है, फिर लगता है कि यार मैंने ये पढ़ा ही नहीं है। तो इसको अवॉइड करने के लिए जो मैं एक चीज़ करता था कि चुपचाप एक गया चाय का दुकान पर, वहाँ बैठा और दूर से सबको ऑब्जर्व कर रहा होता था कि हाँ ठीक है सब अपने जैसे हैं, किसी ने कुछ कम पढ़ा होगा, किसी ने कुछ ज़्यादा पढ़ा होगा, बट ठीक है शायद मैंने जो पढ़ा है उन्होंने नहीं पढ़ा है, तो चुपचाप अपने आप को आइसोलेट कर लो, जाके चाय का दुकान पर बैठो और वहाँ पर शांति से जब तक एंट्री स्टार्ट ना हो जाए तब तक वहीं बैठे रहो, और फिर जब एंटर करोगे तो आपका वो एडमिट कार्ड वगैरह चेक करेंगे, वो उनको दिखा दो, उसके बाद जाओगे आईडी चेक करेंगे, फिर हम अंदर जाते हैं तो बायोमेट्रिक होता है, बायोमेट्रिक के बाद जब आप सेंटर पे पहुंचते हो, रूम में पहुंच जाते हो, तो वहाँ पे सब लोग बैठे होते हैं, काफ़ी बड़ा सेंटर होता है, और फिर उसमें बायोमेट्रिक चल रहा होता है आपका, कभी कभी रेटिना टेस्ट होता है, ये सब देखते हैं वो, और हाफ़ एन आवर का टाइम आपको लगभग वहाँ पे मिलता है, ठीक है 20 से 25 मिनट मिलता है एक्स्ट्रा, उसके बाद आपका पेपर स्टार्ट होता है, तो उस 20-25 मिनट अभी चुपचाप वहाँ पर जाके आप पानी पियो और बैठो, और जो मैंने बोला था जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल करते समय जो आपके दिमाग में थॉट्स था कि पेपर कैसा भी आ जाए मुझे इसको अटेम्प्ट बेस्ट करना है, ठीक है, बस वो चुपचाप अकेले बैठ के सोचते रहा करो, वहाँ पे जो आसपास के लोग हैं ना उनसे बात करनी है, ना उनके कुछ सुनना है कि उन्होंने ज़्यादा पढ़ा है और उन्होंने कम पढ़ा है, दिमाग में फालतू के थॉट्स नहीं लाने, जस्ट सिट अलोन एंड थिंक अबाउट योर एग्ज़ाम। सो गेटिंग द क्वेश्चन पेपर, देखो जैसे ही एग्ज़ाम वो आपका स्क्रीन चल रहा होता है, वहाँ पे टाइमर चल रहा होता है ना, 9 मिनट 8 मिनट 7 मिनट 1 मिनट जैसे ही बचता है, उसके बाद आपको ना आसपास हल्ला सुनाई देने लगेगा, कोई अपना सब कॉपी सेट कर रहा है, कोई सब कुछ एकदम दूर कर रहा है, सैनिटाइज़र मास्क वगैरह ये वो, किसी का साइन नहीं हुआ है, सर मेरा साइन रुक गया, ये वो बहुत हल्ला होगा, लेकिन आपका दिमाग बड़ा शांत रहेगा, आपको सिर्फ वो स्क्रीन दिखता रहेगा कि हाँ जैसे ही 1 हिट हो और ये पेपर खुलेगा तो मुझे पेपर को अटेंड करना है, तो उसमें बहुत ही नर्वसनेस मतलब फीलिंग ऐसी आएगी कि ओके जैसा भी है दिस इज़ द मोमेंट विच आई हैव बीन वेटिंग फॉर, जिसका मैं वेट कर रहा था वो आ गया है मोमेंट, और अब मुझे अपना बेस्ट देना है, जो मैंने सोचा था अभी तक, जो मैंने स्ट्रेटजी अभी तक बनाई थी कि मुझे क्या करना है,
वो आपको करना है। छोटे मोटे आपको ऑब्स्टेकल्स होंगे, जैसे कोई चिल्ला रहा होगा, किसी का पीसी हो सकता हो बंद हो जाए, तो आपके दिमाग में आएगा यार कुछ ऐसा ना हो जाए, लेकिन उसको कुछ सोचना कुछ भी ऐसा नहीं है, जस्ट थिंक अबाउट द पेपर, ठीक है। वो चीज़ें होती रहेंगी, वो बीच में आएंगे साइन लेने और पता नहीं क्या क्या होता रहेगा, दैट्स अ पार्ट ऑफ एग्जाम, वो हर जगह होता है, ठीक है। उसको कॉमन को मान के अपना आपको से पेपर करना है। पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी, अभी आपको पेपर मिल गया नहीं, और उसके बाद आपके पास एक घंटे बचते हैं। अब देखो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले आपका इंग्लिश सेक्शन खुलता है, हमेशा ऐसे ही होता है, इंग्लिश खुलेगा, फिर क्वांट आएगा, फिर रीजनिंग आएगा। आपने हज़ारों मॉक टेस्ट लगाए होंगे, सॉल्व पेपर किए होंगे, सब कुछ किया होगा, अपना दिमाग में स्टडीज आप बना के आए हो। बट कई बार है ना, हमको एग्ज़ाम की सिचुएशन के हिसाब से अपने आपको मोड करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने इंग्लिश उठाया, आपने पहला क्वेश्चन किया आपसे नहीं हुआ, दूसरा किया वो भी नहीं बना, तीसरा किया वो भी नहीं बना, तो उस पॉइंट पर ना आप पैनिक कर जाते हो कि अरे यार मुझसे कुछ हो नहीं रहा है, ये है वो है। तो इसका ना एक बहुत ही बढ़िया तरीका है जो मैं विच आई यूज़ टू फॉलो, कि द आर्ट ऑफ स्किपिंग, आपको पेपर में क्वेश्चंस को स्किप करना आना चाहिए। जैसे इंग्लिश आता है तो इंग्लिश में सबसे पहले आपको क्या करना है, कोशिश करो कि जो आपके स्कोरिंग वाले नंबर्स है, लाइक एरर्स हो गया, कुछ वोकैब वाला पोर्शन हो गया, अगर क्लेरिकल का एग्ज़ाम है या फिर कुछ वैसा एग्ज़ाम है जिसमें आपकी आरसी आती है फैक्चुअल बेस्ड, उस तरह की आरसी है, तो पहले उसको अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद आप जाओ आरसी वाले और जो टफ सेक्शंस होते हैं। सिमिलरली गोइंग विद क्वांट्स, तो क्वांट्स में जैसे मैं आप लोग को बताता हूँ कि क्वांट्स में करना है क्या आप लोग को, कि जो स्कोरिंग सेक्शंस हैं, लाइक नंबर सीरीज़ हो गया, आपका मिसिंग नंबर हो गया, रॉन्ग नंबर हो गया, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारे आपको पहले करने होते हैं, क्योंकि अगर आपने इनसे मार्क्स फेच कर लिए तो वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देंगे कि हाँ एटलीस्ट आई हैव अटेम्प्टेड 15 क्वेश्चंस, 15-20 क्वेश्चन तो यहाँ बन गए, अब जो मैं करूँगा ये मुझे एड ऑन देगा, ठीक है। तो इसलिए कभी भी टफ क्वेश्चन को, या फिर जैसे मान लो DI आती है आपकी, किसी हार्ड DI को नहीं पिक करना, अर्थमेटिक क्वेश्चंस को नहीं करने, पहले आपको अटेम्प्ट करना है ये सारे जो मैं बोल रहा हूँ स्पीड बेस्ड, और उसके बाद आपको जंप करना है अपनी DI पे। अच्छा, DI में भी क्या होता है, तीन तरह की DI होती है बेसिकली, जो आपकी DI आएंगी उसमें से एक DI होगी जो फैक्चुअल बेस्ड होगी, छोटे मोटे इक्वेशंस होंगे, परसेंटेज होंगे और रेशियोज होंगे, वो आप मन में कर सकते हो, तो पहले उनको करने की कोशिश करो। उसके बाद आपका आएगा कोई मीडियम लेवल की DI होगी, फिर हाई लेवल की DI होगी। हाई लेवल DI को आपको टच भी नहीं करना, उसके पहले आपको कर लेना है अर्थमेटिक के क्वेश्चंस। देखो अर्थमेटिक आप लोग पूछते हो कि सर क्या मुझे स्किप कर देना चाहिए, आपको अर्थमेटिक बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। अगर आपने पढ़ रखा है तो जस्ट एक बार उनको गो थ्रू कर लो कि आप उनको सही से कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि अटेम्प्टेबल होते हैं, कर सकते हो उनको आप। नाउ गोइंग टू रीजनिंग सेक्शन, रीजनिंग सेक्शन में भी मैं यही सेम चीज़ बोलूँगा, क्योंकि देखो वहाँ भी क्या होता है कि आपका जो रीजनिंग आता है, पजल्स वगैरह आते हैं, 4 से 5 पजल्स आ सकते हैं, ठीक है। उन पजल्स को क्या करना है कि आपको अभी होल्ड पे करो, जो स्कोरिंग सेक्शंस हैं लाइक इनइक्वालिटी हो गया, सिलोजिज्म हो गया, हमको पता है कि जब भी ये कुछ चीज़ें आते हैं हमको बहुत फास्ट कर लेते हैं, उनको करो, वो आपका मार्क्स बैकअप बना देंगे कि हाँ भाई 10-15 नंबर का आपने कर रखा है। देन गो टू पजल्स, पजल्स में भी सारे पजल्स को देखो, एक बार देख लो, उसमें करना क्या होता है कि आप उनको मार्क कर दो, जब भी आपको कोई पजल दिखे उसको वहाँ पर मार्क कर दो, और हर पजल में जाओ एक बार जस्ट रीड करो उसको, वो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, वेरिएबल्स कम हैं, सब कुछ आपको दिमाग में इमेज बन जाएगी, हाँ ये ऐसे होगा, उसको पहले अटेंड करो। कोई पजल आपने पढ़ी समझ भी नहीं आई ये क्या था, फर्स्ट बार मान लिया आपने रीड किया और आपको पहली बार में समझ भी नहीं आया कि वो था क्या, उसको वहाँ पे छोड़ दो, उसको लास्ट के लिए रखो, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने प्रीलिम्स के पेपर की स्ट्रेटजी बना सकते हो। सो देखिए, फिर आता है आपका मेंस का एग्जामिनेशन, उसमें पैटर्न कुछ ऐसा होता है कि पहले आपकी रीजनिंग आएगी, फिर DI आती है, फिर आपकी जनरल अवेयरनेस आती है, फिर आपकी इंग्लिश आती है। ओके, सो रीजनिंग में क्या होता है, जैसे मान लो रीजनिंग वहाँ पे क्या है कि जो आपके पजल्स आएंगे वो बड़े होंगे, 2-2 मार्क्स के होंगे, इनइक्वालिटी भी शायद थोड़ा आपके टफ आए, सिलोजिज्म कुछ ऐसे आएंगे कि मान लो आपको 6 पार्ट्स में दिए हैं, आपको खुद बना के लिखना है, ठीक है। तो वहाँ भी आप ये पहले मेक श्योर करना कि जो एक नंबर वाली पजल है या फिर वो ऐसे सिलोजिज्म, ऐसे इनइक्वालिटी, उनको पहले अटेम्प्ट कर लो। दूसरा, आपको मैं हमेशा बोलता हूँ क्रिटिकल रीजनिंग वाला पोर्शन, क्रिटिकल रीजनिंग अगर आप कर रखे होते हो तो उसको भी एक बार विजिट कर लो, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग उतने टफ होती नहीं जितना आपने बना रखा है। उसको जाओ, उसको एक बार देखो, अटेम्प्ट करो, अगर वो आपसे हो जाती है तो फिर आप जो 2 नंबर वाली पजल है, क्योंकि वो हार्डेस्ट होती है, उसको करने का ट्राई करो। सिमिलरली DI में क्या आता है कि आपकी DI अच्छी अच्छी DI आपकी आएगी, तो DI को पहले ना पिक करके जो आपके मिसिंग नंबर आते हैं, कुछ कुछ मिसिंग नंबर आते हैं, रॉन्ग नंबर आते हैं, बना के आएंगे, ठीक है, उनको पहले अटेम्प्ट कर लो, और उसके बाद आपकी सारी DI होती हैं तो DI को करो, ठीक है। DI में जो आपकी अर्थमेटिक बेस्ड जो नॉन मिसिंग DI है पहले उनको कर लो, और फिर बाद में मिसिंग DI, क्योंकि मिसिंग DI में क्या होता है कि आपको वेरिएबल्स लेके थोड़ा सा इक्वेशन बनानी पड़ सकती है, वो आपका टाइम खा जाएगी।
एंड द थर्ड थिंग इज़ जनरल अवेयरनेस। तो उसमें क्या करना है कि आप एक बार पूरा करते हुए पेपर को अटेम्प्ट कर लो। मान लो आपने 40 में से सिर्फ 20 अटेम्प्ट कर पाए। अब थोड़ा सा ये भी होता है ना कि हमको अपने अटेम्प्ट बढ़ाने हैं, तो कई बार आप एक होता है ना कि मैं तुक्का नहीं बोलूँगा, बट एक होता है कि कैलकुलेटेड रिस्क लेके आप एक गेस कर सकते हो। आप जब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चंस को देखने जा रहे हो तो उसमें ऐसे क्वेश्चन जैसे मान लो जिनमें आपको दो ही लग रहा है कि हाँ इन दोनों में से कोई होगा, तो वहाँ पे एक चांस आप ले सकते हो। इस तरह से भी 4-5 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट बहुत कम करोगे तो फिर सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, आप सोचोगे सर क्या बोल रहे हो, बट ये ऐसा होता है। आपको कई बार कैलकुलेटेड रिस्क लेनी पड़ती है गेसेस को लेके। और लास्ट में आपका आता है इंग्लिश। तो इंग्लिश में तो सिंपल सा, आप पेपर जैसा भी आ रहा है आप उसको अटेम्प्ट करते जाओ। आरसीबी वहाँ पे अगर आपको टफ लग रही है तो वहाँ पे छोड़ दो उसको, और फिर आरसी को बाद में करना। बाकी सारे पेपर वैसे ही होते हैं जैसे आपका प्री में होते हैं। एरर आएगा आपका, पैराजम्बल्स आ सकते हैं। हाँ, पैराजम्बल्स जो हो गया, पैराजम्बल्स को भी लास्ट में करो, क्योंकि पैराजम्बल्स अगर सिंगल सेंटेंस वाले हैं तो वहीं पर अटेम्प्ट कर लो, बट अगर वो 2-3 लाइनर वाले हैं तो उनको बाद में करो, क्योंकि आपको पढ़ने में टाइम खा जाएंगे। इससे बढ़िया जो और चीज़ें हैं उसको पहले कर लो। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन अटेम्प्ट योर मेंस पेपर। आप स्ट्रेटजी वहीं पे बना सकते हो पेपर को देख के। बाकी जो आप सोच के आए हो, जैसा आप मॉक्स में करते थे, ट्राई टू फॉलो दैट, उसको ही फॉलो करने की कोशिश करो। लेकिन एग्जाम में कुछ भी ऐसा चेंज होता है तो अपने हिसाब से आप अपने आप को मोड कर दो। ठीक है, ओके। सो अभी क्या है कि मेरे सामने एक SBIPO का क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ है प्रीलिम्स का, और कुछ मैं 2-3 क्वेश्चन मैंने इसमें पिक किए हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तो आप कैसे एलिमिनेट करके जो आपकी रीडिंग स्किल्स हैं उनसे बना के आप आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन अभी मुझे दिख रहा है इंग्लिश का है कि एन इंटरव्यू इज़ अ गुड चांस टू डैश हाउ कैंडिडेट्स डैफ्ट डैश डिफिकल्ट सिचुएशंस। तो द फर्स्ट थिंग कि यहाँ पे डिस्कस या इम्प्रूव तो नहीं होता, क्योंकि कैंडिडेट्स इम्प्रूव्ड पास्ट टेंस तो वैसे ही नहीं आएगा। उसके बाद SS एड्रेस्ड, ये गलत हो गया। एनालाइज टैकलिंग कैसे होता है, हाउ इज कैंडिडेट्स टैकलिंग डिफरेंट सिचुएशन, सिंपल सी बात है। ठीक है, और ये देखो पता है ये पढ़ने में सेंस में आपको गलत लग रहा होगा, अगर आपने इंग्लिश पढ़ी है इतनी आपको आइडिया लग जाता है कि हाउ कैंडिडेट्स टैकलिंग डिफरेंट सिचुएशन, ऑब्वियसली इट्स रॉन्ग। और फिर लास्ट में आता है इसमें इवेल्युएट अप्रोच, तो ये लग रहा है कि एन इंटरव्यू इज़ अ गुड चांस टू इवेल्युएट हाउ कैंडिडेट्स अप्रोच डिफिकल्ट सिचुएशन। आपने ये लाइन कहीं पढ़ी भी होगी और आपको तुरंत ही दिमाग में क्लिक कर जाएगा, इसको टिक करके आगे मार्क करना है, ना पेन चलानी ना कुछ करना है, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन का भी ध्यान रखना। सो आप लोग को मैं एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ इसमें। जैसे कि मान लो आपके सामने ना ये एक बड़ा सा आपको पैराग्राफ दिख रहा है, RC दिख रही है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिख रहा है। अब मान लो कि इतना बड़ा पैराग्राफ है, आपके पास टाइम नहीं है, आप इसको लास्ट में अटेम्प्ट कर रहे हो, लेकिन स्टिल आप इसके 6 में से 3 क्वेश्चन लास्ट के अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि वो वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है और फिल द ब्लैंक्स है। कैसे, जैसे मान लो कि इसमें देखो ये जो 17, 18, 19, आप अगर ध्यान से देखो तो 15, 16, 17, 18, 19, आप इसमें 4 क्वेश्चन आए हैं, 4 में से 3 बिना RC पढ़े कर सकते हो। तो ये होता है स्मार्ट प्ले, कि अगर आप मान लो आपके पास टाइम नहीं बचा तो आप पूरा RC पढ़ने के बजाय ये 3 क्वेश्चन को अटेंड करो। अच्छा, कैसे है देखो, ये भी क्या है, 17 वो कैब बेस्ड है, 18 वो कैब बेस्ड है, 19 में फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं, जैसे मान लो चूज़ द मोस्ट सुटेबल वर्ड या फ्रेज टू फिल इन द गिवन ब्लैंक। ब्लैंक देखते हैं कहाँ है भाई, बस आपको लास्ट में पढ़ना है, आपको अपने आप सेंस लग जाएगा। लाइक विच इज़ वाई दिस ईयर आई हैव डैश ऑन टर्निंग माई फाइंडिंग्स इन टू अ सोशल एंटरप्राइज टू एम्पावर बिजनेसेस। ओके, ठीक है, कुछ करना चाह रहा है मतलब वो। ठीक है, परसिस्ट तो नहीं होगा, आई हैव है तो हैव के बाद तो परसिस्ट नहीं आएगा, सस्टेनिंग नहीं आएगा हैव के बाद, थर्ड फॉर्म आना चाहिए। सीज्ड आ सकता है, रेजिस्ट नहीं होगा, एम्बार्क्ड आ सकता है। ठीक है, अब सीज मतलब होता है रोकना, सो विच इज़ वाई दिस ईयर आई हैव सीज्ड ऑन टर्निंग माई फाइंडिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि उसको अपने बिजनेस को एम्पावर करना है, बढ़ाना है, तो आई डोंट थिंक कि वहाँ पे सीज जाएगा, ही विल एम्बार्क्ड। एम्बार्क्ड मतलब उसको स्टार्ट करेगा, उस पर नई जर्नी को वो और बढ़ाएगा आगे। तो इस तरह से आप देखो, आप सिर्फ दिमाग लगा के अपना ये RC का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो स्मार्टली। जैसे मान लो जो सारे क्वेश्चन हैं, अगर आपने RC पूरा नहीं पढ़ पाए तो उसके वोकैब वाले क्वेश्चन कर दो। इनइक्वालिटी है, उनको तो पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है, मन में सब चीज़ें कर लो। तो ये सब चीज़ें अगर आप टाइम बचाओगे तो जो टफ क्वेश्चन हैं, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं, जो आप बोलते हो सर ये नहीं हो पाते, उनको जाके आप अच्छे टाइम दे के अटेम्प्ट कर सकते हो। फिनिशिंग द पेपर, देखिए अभी आपका पेपर जब फिनिश हो जाता है तो उस पर स्क्रीन पे वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आते हैं कि आपने इतना अटेम्प्ट किया। यूजुअली हम हमेशा डिससेटिस्फाइड होते हैं कि यार और कर लेते, यार और कर लेते। आसपास के लोगों से, लेकिन कभी ऐसी बातें करो, जैसे मान लो कि एक बार क्या हुआ, मैंने पेपर दिया था तो उसमें जब मैंने मेरे शायद अटेम्प्ट 72, 73 के आसपास थे,
और फिर मैंने आसपास पास पूछा तो उन्होंने बोला 60, 59, 52, तो फिर लगता है कि अच्छा ठीक गया, मतलब अपना ठीक लगता है, तो अंदर से फीलिंग अच्छी आती है। एक दो ऐसा भी हुआ है कि यार पेपर में अटेम्प्ट बहुत कम होता है, लगता है कि यार 60 है, बाउंड्री पे हैं, 60 सिर्फ किया, आसपास कोई बोल रहा है 62, 73, ये वो। तो कई बार ऐसा भी होगा कि लोग ज़्यादा आपको एक्सेजरेट करके बता देंगे, या फिर वो उतना उन्होंने शायद तुक्के मारे होंगे या वो, तो आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आप अपना जो भी आपने पेपर किया अपना पेपर दो, ठीक है, जो बताया अच्छा ठीक है भाई, क्योंकि आपके अंदर एक होता ना फीलिंग आती है। जैसे मेरे अंदर जब मैंने 70 के ऊपर अटेम्प्ट कर लिया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो ठीक है, कट ऑफ जो है 50 के अराउंड जाती है, 55 जाती है, तो ठीक है हो सकता है जहाँ तक हो जाएगा, और हो गया था। लेकिन जैसे मान लो कई बार ऐसा भी होता है कि एक बार मैंने पेपर दिया था और फिर मैं अटेम्प्ट 91 करके आया था, तो उसमें कट ऑफ ही 95 चली गई थी, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। आपको खुशी बहुत होगी कि हाँ मैंने अच्छा कर दिया, वो कर दिया, बट इट्स ऑल कि जब कट ऑफ आती है पेपर का कैसा होता है। उसमें करना ये है, कुछ नहीं करना आपको, आपने जो भी अटेम्प्ट कर लिया, यू हैव गिवन योर बेस्ट, और उसके बाद आपका कोई एग्ज़ाम है, जाके इस एग्ज़ाम पे लग जाओ, ठीक है। और उस समय आपको उसमें नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं भी नर्वस हुआ था और मैं भी परेशान होता था, लेकिन ठीक है, जब लगता है कि हाँ हो गया है काम भर का, तो एक अंदर से फीलिंग आती है ना अच्छी, वो गुड़ी गुड़ी वाली फीलिंग कि हाँ अच्छा कर रखा है, ठीक है, तो वो वाली चीज़ है। तो अगर अच्छा कर रखा है तो डोंट वरी, जाओ मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। कमिंग आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल, देखो जैसे जब भी पेपर ख़त्म होता था ना, तो मैं हमेशा बाइक से आता था और अपना बाइक उठा के चुपचाप मैं घर पे चला जाता था, आराम से खाना वाना खाता था या फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेता था, पहले बैठ के आराम से खाओ, क्योंकि आपने मेहनत की है यार अपने आप को, आप थोड़ा सा होता ना कि प्राइज़ डिज़र्व करते हो, अच्छा खाओ, अच्छा कुछ भी आप करो। उसके बाद थोड़ा सा जो नेट पे बस चल रहे होते थे, एक मैं देख लेता था कि जैसे सारे टीचर्स वगैरह एनालिसिस करवाते हैं कि आज का पेपर ऐसा था, इतने अटेम्प्ट करोगे तो ठीक है, ये है वो है फलाना ढिकाना, उसको एक बार देख लो बस, ठीक है कि हाँ आपका उस रेंज में है या फिर जो भी है, उन्होंने जो भी बता रहे हैं कि पेपर ऐसा आया था, क्योंकि एक क्यूरियोसिटी अंदर से होती है कि ठीक है मैंने इतना कर लिया तो और लोग क्या कर रहे हैं, उसको देख लो, उस रात को वहाँ पे वहीं पे ख़त्म कर दो, सो जाओ, एंजॉय करो, और नेक्स्ट डे से अपना मेंस की तैयारी पे लग जाना चाहिए आपको, क्योंकि आपको उस पर ज़्यादा फिर फोकस नहीं करना। जो आपने कर दिया तो वो तो आप बदलोगे नहीं ना, नहीं बदल पाओगे, आपने 50 किया हो चाहे आपने 80 किया हो, जो आपने कर दिया वो वहीं पर डन, और फिर नेक्स्ट डे आपको मेंस के लिए लग जाना है। ओके, सो फाइनल रिजल्ट्स। सो मेरा जो रिज़ल्ट था, मेरा फाइनल जो BIPO का आया था, वो लगभग 16 मार्च को आया था, ठीक है। होली के बाद हम लोग घर पे आए थे, मतलब फ्लैट पे बेसिकली मैं बैठा था, मैं नोएडा में फ्लैट पे ही रहता था, तो 10-11 बजे के आसपास होता ना कि खबर आ जाती है कि हाँ रिज़ल्ट आ गया, तो हम लोग सब लोग रूम में से बैठे थे, मैं मेरे फ्लैटमेट्स वगैरह, हम लोग ऐसे बातें कर रहे थे, और तो मैंने बताया कि यार रिज़ल्ट आ गया है भाई, तू देख ले, क्योंकि ऐसा होता था कि जैसे कभी रिज़ल्ट आता तो मैं खुद नहीं देखता हूँ, तो मेरे फ्रेंड ने देखा और वो आके बोला कि चुपचाप मेरे पास आया बिना हंसते हुए एकदम सीरियस मोड में, कह रहा भाई सुन, मैंने कहा हाँ भाई बता, कह रहा है तेरा तो हो गया, पार्टी कब देगा, मैंने कहा सच में, तो कह रहा है हाँ भाई हो गया तेरा। तो ये होता ना कि मैं उतना कुछ ना कुछ कूदा था, ना उछला था, ना कुछ उतनी हंसी थी, बट अंदर से वो जो फीलिंग होती ना की अच्छी वाली की हाँ आई डिड इट, वो वाली फीलिंग बड़ी स्ट्रांग आई थी कि चलो ठीक है हो गया। सबसे पहले मम्मी को फ़ोन मिलाया तो उनको बोला कि हाँ हो गया, तो वो उनको वीडियो कॉल ही उनकी आती है, उनका कभी ऑडियो कॉल नहीं आता, तो उनको जब भी वीडियो कॉल मैंने किया तो वो हंसने लगी, मतलब रोने लगी थी बेसिकली, और हंसते हुए कि चलो हो गया तुम्हारा फाइनली, इतने दिन तुम मेहनत कर रहे थे, सो इट वॉज सरियल फीलिंग, वो फीलिंग बड़ी अच्छी होती है। और फिर उसके बाद तो लड़के जो होते हैं फ्लैट वो आपको छोड़ते नहीं है, फिर बहुत मारा मुझे उस दिन, पता नहीं क्यों मारते लेकिन ऐसा होता है वो, ठीक है। सो दैट्स द थिंग, फीलिंग वो बहुत अच्छी होती है व्हेन यू गेट द रिजल्ट, कि लगता है कि हाँ चलो। और इस बार तो प्रोसेस भी बहुत ना फास्ट था कि हमारी ज्वाइनिंग, जैसे सोचो आप मानोगे नहीं, हमारा 3 को मेरा इंटरव्यू था, 16 को मेरा रिजल्ट आया, 23 को मेरा DV था, 30 मार्च को मैं SBI में था ज्वाइन करके, ठीक है। तो इतना फास्ट सब कुछ होता है कि आपको सेकेंड में पता भी नहीं चलता है कि जब आप, मतलब आपका रिजल्ट आया और आप बैंक में बैठे हो ऑफिसर के तौर पर, ठीक है, तो वो फीलिंग बड़ी अच्छी आती है। फाइनली आई वुड लाइक टू से कि आप लोग तैयारी जो कर रहे हो एकदम अच्छे से करते रहो, और कभी भी ना अपना 100% देने से चूकना मत, क्योंकि ये चीज़ें मैं हमेशा रियलाइज़ करता हूँ। आप लोग को पता है कि मैंने जो पिछला IBPS PO वाला पेपर दिया था 19 वाला, उसमें मेरा इंटरव्यू में नहीं हुआ था, और उसके इंटरव्यू में नहीं होने के बाद जो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की थी, और वो पता है कि आप किसी और से शेयर नहीं करते हो, वो आपके अंदर ही आ जाता है कि यार कहीं ना कहीं ना आप अपना 100% नहीं दे पाए थे, बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी, आप इन्जॉय ज़्यादा कर रहे थे, घूम रहे थे, पार्टियाँ कर रहे थे, तो वो चीज़ें अवॉइड नहीं करनी। जो होती नहीं कि मामा मेंटालिटी, कि अगर आप जिस दिन लगे हो, अगर आप 6 महीने दे रहे हो तो 6 महीने आपको अपना 100% देना है, तो
अपने अंदर बस आपको कन्विक्शन रखना है कि जो आप हार्डवर्क कर रहे हो वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, और बस जो ये हार्डवर्क है इसको करने में कहीं चूकना मत, पूरा 100% दे देना, ठीक है, 1% भी कम नहीं होना चाहिए, मामा मेंटालिटी। वेल, दिस ब्रॉट बैक सो मेनी मेमोरीज एंड नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू टेक एक्शन। जो मैंने बताया है वो मेरी स्ट्रेटजी है, मैंने शायद कुछ ऐसी चीज़ें की हों जो कि आपको सूट ना करती हों। सो अपनी प्रिपरेशन को आप बनाए रखिए और जितना हो सकता है मॉक टेस्ट दे दीजिए। मैं आप लोग को हमेशा अभी अपने चैनल पर बताता हूँ कि आप मॉक टेस्ट दो, आपके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे कि आप कहाँ पर सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। दूसरा, अपनी आप मॉक टेस्ट और इस प्रिपरेशन को कंटिन्यू करने के लिए आप अनअकैडमी वगैरह के मॉक भी यूज़ कर सकते हो। इनके मॉक्स पे अभी कुछ डिस्काउंट चल रहा है 10% का, यू कैन यूज़ द कोर्स CTWT टू अवेल 10% डिस्काउंट, और फिर मॉक्स लो, मॉक्स को अच्छे से लगाओ जिससे आप फर्दर अपनी प्रिपरेशन को और इन्हेंस कर सकते हो। वेल, दैट्स द रैप अप फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट।